नमस्कार, गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सैटरडे इवनिंग फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड में। वेल, एक बार फिर से हमारे साथ है ऑन पब्लिक डिमांड हमारे अपने नन अदर देन वेरी टैलेंटेड, हम सबके फेवरेट पद्मश्री गजल सम्राट अनूप जलोटा सर। साथ ही साथ आज उनके साथ रहने वाले हैं मिस्टर देवाशीष सरगम राज, फाउंडर एंड डायरेक्टर मून वाइट फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। अनु सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको। अनु सर, आप मुझे आप खुश रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है एक बार फिर आपसे बातचीत हो रही है। बिल्कुल सर, ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है क्योंकि बिल्कुल सर, बहुत ही प्राउड मोमेंट है एक बार फिर से हमने आपको पाया है। देवाशीष दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रेंड्स एफएम पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अपने आपको, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं अनु जी के साथ आया हुआ हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस लाइव ऑन दिस शो आपके लिए, तो थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। अनुप सर, मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा लेकिन सबसे पहले मैं देवाशीष सर से पूछना चाहता हूँ। इस वक्त धूम मचा रही है एक खबर, और वो ये खबर है कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने वाली है पद्मश्री अनूप जलोटा सर के ऊपर। देवाशीष दा, उसे रिटन एंड डायरेक्टेड बाय देवाशीष सरगम होने वाला है, तो सर बताना चाहेंगे ये शुरुआत कैसे हुई सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। मैं बोलूं या किस बोले? जी अनूप सर, आप गुरु जी, आप बोलेंगे, आप बताएं। बिल्कुल सर, अनूप सर प्लीज बोलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देवाशीष बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। ये जो फिल्म फेस्टिवल करते हैं हर साल जी, उसको बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इनके टैलेंट को, और इन्होंने इससे पहले भी कुछ एड्स बड़े अच्छे डायरेक्ट किए हैं, तो जब इन्होंने मुझे कहा कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री आपके ऊपर बनाना चाहता हूं, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी बुक तो लिख रहे हैं हमारे ऊपर, और ऐसी कुछ बातचीत चल रही है कि बायोपिक फिल्म भी शायद आगे बनेगी, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जब ये मुझे कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, इनको मैं उसका मटीरियल वगैरह दे रहा हूँ, और जो जो इनको पॉइंट्स मेरे बारे में जानने हैं वो सब मैं दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ एक घंटे के आसपास की यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगी जी, जो तरह बहुत से चैनल्स पे जाएगी, आपको भी दे देंगे, आप भी दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम सबको इंतजार है, और देवाशीष दा को हमने हमेशा से देखा है, वो डायरेक्शन में माहिर है, तो मुझे बताना चाहेंगे देवाशीष दा, जब इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है पूरी तरह से? अनूप सर तो आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं, लेकिन आपने कितना रिसर्च किया है? नहीं बिल्कुल, रिसर्च देखिए, एक गूगल से रिसर्च करना विकिपीडिया के थ्रू, और एक साक्षात जो हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं उनके साथ बैठ के, ये सौभाग्य है मेरा कि उनके साथ बैठ के सब सारी चीजें बात होती, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना एक बहुत इजी काम नहीं होता है, काफी डेप्थ में हमें जाना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि एक रियल कैरेक्टर होते हैं और उन रियल कैरेक्टर को उनके साथ जो चीजें घटी हैं उनको समझना पड़ता है, फिर उनको पोर्ट्रेट करना पड़ता है, एंड देन फिर हमें वो लाना पड़ता है, तो इट्स नॉट वेरी इजी जॉब की वो किया जाए जी। बिल्कुल, ये एक मेहनत का काम रहेगा, क्योंकि जब हमने देखा है कि इस तरह की मूवी बनती है तो बहुत सारी बारीकियों को देखना पड़ता है, और अनूप सर तो समंदर हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, हम सबके फेवरेट हैं, और मुझे पता है कि अनूप सर के बारे में रेडियो के साथ भी इनका कनेक्शन बहुत पुराना रहा है, क्योंकि जब इन्होंने शुरू किया था AIR की अगर हम बातें करें, तो वो सब छोटी छोटी चीजें शायद इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई जाएगी, तो मैं जानना चाहूंगा अनूप सर कुछ कहना चाहेंगे देवाशीष के डायरेक्शन के बारे में, कितना भरोसा है आपको? देवाशीष बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो जो काम अब तक किया है वो उसको जस्टिफाई किया है, ठीक से काम किया है, और मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, फिल्म फेस्टिवल जो होता है तो उसमें एक एक चीज ये बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, और मुझे विश्वास है कि ये डॉक्यूमेंट्री भी अच्छी बनाएंगे। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सब मैं पूरी कर रहा हूँ, तो उसको इनको ठीक से प्रेजेंट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही चैलेंजिंग चीज रहने वाला देवाशीष दा आपके लिए ये, क्योंकि हम सब इंतजार कर रहे हैं, अनूप सर के हम सब दीवाने हैं, हम सब फैन हैं, और इस डॉक्यूमेंट्री का हम सबको इंतजार रहेगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा व्यूवर्स के लिए क्या क्या चीजें रहेंगी देवाशीष दा, आपने क्या सोचा है, क्योंकि व्यूवर्स को पकड़ के रखना एक घंटे की जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो किस तरह से आपने प्लानिंग की है? हाँ जी, व्यूअर्स के हिसाब से देखिए, ऐसा है कि अनूप जी जो आज भजन जो उनका मतलब जो जिस तरह से गाते हैं, भजन जिस तरह से गाते हैं, और आज भी हम यंग जनरेशन होने के बाद भी सुनते हैं,
और उन्हीं की वजह से आज ये भजन चल रहा है, घर घर में चल रहा है, और हम यंग जनरेशन में भी ये सब चलता है, मेरे बच्चे मेरे फैमिली सब सुनते हैं घर में भजन। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारे हिंदुत्व के लिए वैसे भी इस चीज को कि हम ये जो भजन होता है, जो हमारी ओरिजिनलिटी है, हमारी ट्रेडिशन है, वो कहीं पर भी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के जो गाने चल रहे हैं आपको पता है किस तरह के गाने चल रहे हैं। तो अनूप जी के वजह से ही ये ट्रेंड चल रहा है और इन्होंने इस ट्रेंड को आगे लिया है। तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था कि ये घर घर में पहुंचे, लोगों को पता चले, और हमें ये नहीं भूलना है कि भजन जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा सभ्यता है और इसको हमको कंटिन्यू करना चाहिए और सब बच्चे लोग को सुनना चाहिए। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अनूप जी के साथ मिलके, ताकि जो हमारा ट्रेडिशन है, जो अनूप जी हमेशा ये बात को कहते रहते हैं, हमारा ट्रेडिशन कभी नहीं जाना चाहिए। सो दैट्स द वेरी चैलेंजिंग फॉर अस एंड वी आर ट्राइंग टू डू दैट। तो देवाशीष, इसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार हो गई है कि रिसर्च अभी भी चल रही है? कब से शूटिंग वगैरह शुरू हो गई, अगर कुछ बताना चाहें, या हो गई है? नहीं, अभी अभी ये इसकी जो जो फ्लो होता है वो फ्लो बन रहा है, अभी हम लिख रहे हैं इसके ऊपर। और क्योंकि अनूप जी बहुत बिजी रहते हैं उस बिजी शेड्यूल में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कह दिया और लिख दिया और वो हम शेड्यूल पे, नहीं, ये उनको सोचना पड़ता है कि हम क्या क्या दिखाए उस हिसाब से हमें। तो काफी सिटिंग्स लगेंगे, अभी भी सिटिंग्स हो रहे हैं और आगे भी काफी सिटिंग्स लगेंगे इसको तैयारी करने के लिए। जी बिल्कुल, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम सबको इंतजार है। वैसे मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, इस वक्त MWFIFF की हम बातें करें, मैं चाहूंगा कि आप दोनों इसके बारे में कुछ बताएं। देवाशीष दा, सबसे पहले आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो कि ये हम कर रहे हैं 2018 से, और अनूप जी इनको प्रेजेंट करते हैं, वो इस जूरी पैनल में भी हैं और प्रेजेंट भी करते हैं, साथ में जसविंदर नरोला जी हैं, योगेश लखानी जी हैं, पंडित सुभाषित राज जी हैं, एक आरजे भी हैं जिनका नाम है राहत जाफरी, तो सब लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अनूप जी जुड़े हुए हैं इसमें, वो जूरी के साथ साथ वो प्रेजेंट भी करते हैं। तो ऑफकोर्स गुरु जी अब इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बिल्कुल अनूप सर, हम सब जानना चाहेंगे कुछ, अगर आप MWFIFF के बारे में बताएं सर। देखिए, फिल्म फेस्टिवल तो जगह जगह होते हैं, लेकिन फिल्म फेस्टिवल में सही मूल्यांकन करना उन फिल्म्स का, उन डॉक्यूमेंट्रीज का, वेब सीरीज का, जो जो हमारे पास आते हैं, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है फेस्टिवल की, क्योंकि सही लोगों को उसमें जब हम अवार्ड देते हैं तब उनकी चीज जो है लोग ध्यान से देखते हैं, सारी दुनिया में उनको रिकग्नाइज किया जाता है। तो हमारे पास तो बहुत से देशों से फिल्म्स आती हैं, उन्हें हम देखते हैं और सामने उसको पूरा पैनल देखता है, पूरी जूरी है हमारी, उसके बाद उसे अवार्ड देते हैं। हमारी जूरी में एक और बहुत फेमस सिंगर है जसविंदर नरूला जी, वो भी हमारे साथ हैं, वो भी समय निकालती हैं और इसको देखती हैं। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसके लिए मैं देवाशीष को सबसे ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो और उनकी फैमिली, उनके पिताजी, उनकी मम्मी, उनके घर के सभी सदस्य पूरी तरह से इसमें लगे रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए पूरी ये टीम वर्क है और इसीलिए ये फिल्म फेस्ट इतना सक्सेसफुल हो रहा है और धीरे धीरे करके इट्स बिकमिंग बिगर एंड बेटर। तो मैं जानना चाहूंगा अनूप सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देवाशीष दा तो कोलकाता के ही है, आपका भी कोलकाता आना लगा रहता है, तो सर कोलकाता सिटी ऑफ जॉय कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगता है यहाँ पर आके, कुछ यादें अगर हमारे साथ शेयर करें सर। कोलकाता में लोग मुझे बंगाली समझते हैं क्योंकि मैंने बंगाली गाने बहुत गाए हैं, तो लोग मुझसे बंगाली में बात करना शुरू हो जाते हैं, मैं हाँ हाँ हूँ करता रहता हूँ, तो इतना ही बोल देता हूँ कि आमी बुझती पाड़ी पर बोलती पाड़ी ना एक दो सुविधा ये मैंने रख लिया जी। ये मैं सुना देता हूँ, बाकी मुझे रत्ती भर भी बंगाली नहीं आती, लेकिन बंगाली के लिए ये कहना चाहूंगा, इट्स ब्यूटिफुल लैंग्वेज, बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है बंगाली लैंग्वेज, इतना अच्छा है उतना ही बंगाली खाना भी अच्छा है। मैं तो माछ भात का बहुत शौकीन हूँ, बंगाली संदेश तो मैं, और वहां का मिष्टी दही गंगूराम का मैं हमेशा लेके आता हूँ बॉम्बे, और यहाँ पर हम लोग सब खाते हैं। तो मैं बंगाल से बहुत प्यार करता हूँ और ये हमेशा रहेगा।
बिल्कुल सर, ये प्यार जो है और ज्यादा बढ़ता रहेगा। मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी आप कोलकाता शहर एक बार फिर से आएं और यहाँ स्टूडियो में बैठ के मैं माछ भात भी खिलाऊंगा, संदेश भी खिलाऊंगा, पूरी तरह से हम पूरी तरह से प्लानिंग जो है वो करेंगे। वैसे सर आपके साथ मेरी करीब 4 से 5 महीने पहले इसी शो यानी कि फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड में बातें हुई थी। समय बहुत बदल गया है, जिस कंडीशन में हम थे उससे बेटर है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो सर कुछ कहना चाहेंगे, फिल्म इंडस्ट्री कैसे खुल रही है, कैसे काम चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स कैसे हो रही है, क्योंकि आप सीनियर हैं, आपकी बातें हम सब मानेंगे, तो आप बताना चाहेंगे अभी क्या माहौल है? सब कुछ खुल गया है, लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं। अगर जाते हैं कठिनाई के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है, तब तक लोग नहीं जाएंगे इस तरह के एंटरटेनमेंट के लिए। शूटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसीलिए बॉम्बे से बाहर ज्यादा शूटिंग्स हो रही है, क्योंकि बाहर ओपन में रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं, मुंबई में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। फिर भी थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। मैं लोगों से यही कहूंगा कि और थोड़ा पेशेंस रखें, धीरे धीरे सब अच्छा होगा और वही जिंदगी हम फिर गुजार सकेंगे। बिल्कुल, उससे फिर से हमें नाउ नॉर्मल होने का थोड़ा सा इंतजार है। देवाशीष दा, कहाँ पर हम इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देख पाएंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑफ पद्मश्री अनूप जलोटा, कब ये रिलीज होगी, क्या प्लान कर रहे, कुछ अगर बताना चाहें? जी अभी जो हम ये सोच, अभी क्योंकि अभी तो आगे बढ़ रही है चीजें, लेकिन जहां तक हमने प्लानिंग किया है और गुरु जी जैसा बोलेंगे तो अभी तो हम ओटीटी कर रहे हैं, क्योंकि जो बायोपिक होती है मोस्टली वो जो होती है वो फिल्म थिएटर में रिलीज होती है। डॉक्यूमेंट्री मोस्टली डिजिटल्स है, नेटफ्लिक्स है या बाकी सारे जो भी हैं वो रिलीज होती है। सो हम यही करेंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स मतलब जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको पता होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आर मोर स्ट्रॉन्गर देन दी थिएटर्स। थिएटर्स एक लोकल में हो सकता है, लेकिन जो डिजिटल चीजें होती है वो पूरी वर्ल्ड वाइड फैल जाती है। सो मुझे लगता है कि जस्टिफिकेशन ज्यादा होगा, क्योंकि अनूप जी के जो फैन वो सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत बहुत ज्यादा है। काफी इन्होंने कंसर्ट किया है आउट ऑफ इंडिया में भी। सो मैं चाहूंगा कि इसको डिजिटली अगर हमें इसको प्लेटफॉर्म पे लेकर जाए तो वो जाए कि न्यूज जो है वो पहुंच सकेगी, ना कि थिएटर्स में। बाकी तो अनूप जी इसके डिसीजन लेंगे, जो भी वो बोलेंगे हम लोग तैयार है, क्योंकि ही इज ऑल एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल अनूप सर, हम सबको इंतजार है आपके डिसीजन का। डॉक्यूमेंट्री बन जाए उसके बाद ही हम देख पाएंगे, आप जैसे सिग्नल देंगे वैसा होगा। लेकिन अनूप सर, जैसे कि देवाशीष दा ने कहा कि इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड आपके फैन से हम सब जानते हैं, और डिजिटली जब बातें हो रही है, एक बार फिर से आपकी दो शब्द या कुछ गाने की कुछ बोल अगर आप सुना दें। मुझे पता है आप इस वक्त बाहर हैं, एक हॉल में हैं, एक मीटिंग में हैं, लेकिन अगर हम आपके आपके फैंस के लिए, व्यूवर्स के लिए अगर आप कुछ सुना दें सर जाते जाते। मैं अभी भोपाल में हूँ और न्यूज 18 का एक फंक्शन कर रहा हूँ, न्यूज 18 चैनल का, जिसमें यहाँ के सब मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, सब लोग हैं। और मजे की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर इस फंक्शन में है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सबसे मुलाकात हो रही है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, और मुझे अभी 1 घंटे का एक इंटरव्यू करना है जो लाइव आएगा न्यूज 18 का, तो बस वो शुरू होने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूं। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ, तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ, धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी बोले रामचरित अपनाओ। क्या बात है, शो की एंडिंग इससे अच्छी नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच अनूप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर इसी तरह बना के रखिए सर, बहुत अच्छा लगता है जब जब आपके साथ बातें होती है। ऑल द बेस्ट मैं आप दोनों को कहना चाहूंगा, पूरी टीम को मैं कहना चाहूंगा जो इस वक्त इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पीछे है लगे हुए है, यानी कि मैं इस वक्त मून वाइट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट की पूरी टीम को ही कहना चाहूंगा। आप सब मिलकर काम कर रहे हैं, इसी तरह अच्छे अच्छे काम करते रहिए, और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का हम सबको इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच अनूप सर, थैंक यू सो मच देवाशीष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल लाइव हमारे साथ थे नन अदर देन हम सब के फेवरेट वेरी टैलेंटेड
पद्मश्री अनूप जलोटा सर जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी आज फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड में। जी हाँ, उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने वाली है, इसीलिए आज हमने उनको फीचर किया फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड में। बहुत सारी चीजें उनके बारे में हमें जानने को मिली, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में जानने को मिली, साथ ही साथ हमने जाना कि उनका नया प्रोजेक्ट क्या है, क्या क्या वे प्लान कर रहे हैं, किस तरह से न्यू नॉर्मल में शूटिंग हो रही है, ये सब कुछ लेकर आज हमने जाना है। वेल, कल होगा संडे का दिन यानी कि रविवार की शाम सितारों के नाम एक और गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात होगी, इसीलिए फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त कल आपसे एक बार फिर से मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लव यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।